दारु वात शोभ दुख उपस्थित होने के पूर्व तक गाय का दूध पान करें तथा व्रत आचरण करें। सभी प्राणियों में व्रत आचरण में आशक्त व्यक्ति को विघ्न परिलक्षित होता है। सृष्टि का विनाश, नक्षत्र आदि का पतन, भूत योनि व्रत करें। इन सब में से किसी एक व्रत के आचरण द्वारा इसे करें। एक मास में व्रत द्वारा सिद्ध हो जाने पर सब कामनाएं इससे सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत के द्वारा दिव्य भूम तथा निज देहात रोगों का विनाश करें। मंत्र यज्ञ साधक शांति कर्मों में इन्हीं व्रत का पालन करें। सूर्य के व्रत में शाकाहार करना चाहिए। साध्या ऋषि वसुगुण तथा सबको सर्वोत्भाव से देखें। इन सब मंत्रों का विधान विघ्न नाश अर्थ है। कहा गया है बीच में ध्यान करें, तत्व तथा हृदय मंत्र का जप भी करें। धरण आसन, स्थिर मन तथा जीत वायु तथा जितेंद्रिय होकर तत्व तथा यज्ञ के मुख्य सिद्धि का लाभ करें एवं समस्त कार्य सिद्धि हेतु विधान तथा कर्म सिद्धि हेतु संपुट के यथार्थ तत्व को कहा जा रहा है। अपनी देह को एक आग्र करके प्राणायाम करें। शिवा एवं परमा योनि को हृदय तथा नाभि से, वायु को अग्नि के नीचे से पातक का संहार करें। अंतर को प्राणयुक्त करने से योगी तत्काल सिद्धि लाभ करता है। ब्राह्मण तत्व से तीन द्वारा उपरोक्त तीन से शोधन करने से अपना तथा अन्य का शुभ होता है। इसका मंत्री मननकारी साधक ग्राम तथा नगर को भी दग्ध कर सकता है। दुर्दर्श ग्रह तथा महाबलशाली भूत को प्रयुक्त होने पर तथा क्षण काल में अग्नि जैसे काष्ट को दग्ध करती है वैसे ही दग्ध कर देता है। सूर्य व्रतधारी नरदेह के तथा देव से दुराध्य व्याधि का भी शीघ्र विनाश कर देता है। पृथ्वी तथा आरुण के मध्य बीज योनि होगी एवं पूर्व के समान ध्यान योग एवं प्राण योग होगा। उनके अध्ययन के पूर्व में जो साधित होता है उसका शांति विधान करके वह कृतकर्त हो जाता है। द्रव्य का अपहरण, न्यास का निर्यातन, कीवा नाशक तथा देवताओं के ग्रह उत्पादन कर्म में इनका विधान करके योगी वायु के समान होता है। अर्थात प्रज्वलित अग्नि के लिए जैसे वायु सहायक होती है वैसे ही योगी इन कर्मों में सहायक हो जाता है। अन्य से इसको गोपित रखना होता है। वे इस जगत के सब कुछ संहार कर सकते हैं। आरुण योगी संशय उपस्थित होने पर ऐसा करते हैं अन्यथा नहीं करते। रोग होने पर अग्नि में होम करे ऐसा होने पर यह सब विशेषकर योनिज समस्त रोग तत्काल वनिष्ठ हो जाते हैं। यह सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए तथा स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष में तत्काल नष्ट हो जाता है। संक्रमक व्याधि होने पर विपरीत भाव से युक्त होना चाहिए। मंत्र से इसकी चिकित्सा होगी उसे क्रीड़ा अर्थ युक्त करें। शांति हेतु विश्व संपुट वारुण में वायु का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से वृष्टि होगी। यह है बीज के साथ भूत योनि। अश्व का मंत्र जप करें। ऐसा करने से योगियों की गति का निरोध हो जाता है। यहाँ तक कि जो जो देखा जाएगा जो वर्ण है व्याधि अथवा विष है सबका निरोध हो जाएगा। मंत्र तथा अर्चन में लगा व्यक्ति ध्यान करके नित्य होम करे उद्घाटन तथा संहार में भी ऐसे ही दशात्मक मंत्र का प्रयोग करें। सर्वत्र वेष्टन करें तदंतर शांति प्रदान करें। परम पुट के मध्य में द्रव्य मंत्र द्वारा युक्त करें। ऐसे मंत्र विभाग से बंधन करने पर निश्चय सिद्धि प्राप्ति होती है। त्रिष्टितम अध्याय। साधन में प्रवक्त साधक को दारुण व्याधि हो सकती है साथ ही उपसर्ग भी परिलक्षित होते हैं। इनकी चिकित्सा करने में कोई दोष नहीं है। धातुज कीवा ग्रह आदि आक्रमण जनित अथवा कोष्ठ में अध्यायसित व्याधि जो मनसा पाप जनित है वह मंत्र से भी प्रशमित नहीं होती। चंडाल सेना के क्षेत्र से कीवा अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर से
अपच लाकर उसकी मांस वृद्धि की व्यवस्था करनी चाहिए। क्षेत्र से तथा चंडाल सेना से द्विज परायण व्यक्ति भी कर्म वृद्धि हेतु जो सब मिश्रित करें तथा उसका कर्मश बंधन करें, तीन पोटली बनाए सूती के करपटक द्वारा तथा सम्मार्जन तट पर चरु की क्रिया आरंभ करें, अन्य जाति के गृहस्थ के तंडूल चावल द्वारा उस चरु का पाक करें, घोर पातक का चिंतन करके दारुण संपुट करें। जब तक बहिर में पाक होगा उतने में रोग प्रशमित हो जाएगा। खदीर अथवा शूल में क्रमश एक एक की वृद्धि करें। पहले से रखी सभी पोटली को बंद करें, वरुण की आकृति बना करके छुरे से उसको छित्र करके होम करें। रुधिर विष तथा तेल को आहुति के अंत में प्रदीप्त करें, अन्य दो शूल चिन्हित पुटली की आहुति प्रदान करें। तृतीय भाग बध करके चरु कर्म करना चाहिए, उससे बलि उपहार निवेदन करके स्नान करें। ऐसा होने पर रोग वनिष्ठ हो जाता है। जो सदारुण शारीरिक तथा मानसिक रोग है, कृतज्ञ साधुजन सम्मत उपाय से वह व्यक्ति समस्त पातकों का विनाश कर देता है। राजा ब्राह्मण अथवा अन्य वर्ण के जो व्यक्ति साधन अर्थ प्रतिष्ठ होते हैं, आपत्काल में उनका तीव्र भाव से विनाश करते हैं, पाप का विनाश करते हैं। विधि द्वारा वे बाधक होते हैं। साधक के सिद्ध रूप से विनायक गण का विनाश पापों का विनाश करते हैं। इस घातन में उसका कोई दोष नहीं होता, यह रुद्र ने कहा है। मारना विचार सबके लिए आर्तनाशक मंत्र अभिचार विधि को सुनकर मंत्रवित्त साधक अधशूल कर तथा क्रूर ग्रह महाबलशाली महामारी कुलो उत्पन्न भैरव देव को उत्सारित करते हैं और यम की जीभारूप मृत्यु स्वरूप अघोर को युक्त करते हैं। महारोद्र का आहान शत्रु पक्ष के लिए भयंकर है। दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर कंटक शाल चटाई तैयार करें। नेगृत्य कोण में अथवा शमशान में त्रिकोण पद्म आदि का अंकन करें। केश आच्छादित शमशान में सब दिशाओं में कंटक द्वारा आवृत स्थान में द्वार की कल्पना करें तथा कंटक द्वारा ही अर्गला तैयार करें। इसके दक्षिण दिशा की ओर अस्त्रमाला से युक्त होना चाहिए। नर कपाल से चारों दिशाओं को बांधे, चारों दिशाओं में नर कपाल से वेष्ठन करें। साधक वह अग्नि आगार तथा त्रिकोण की कल्पना करें। रक्त लिप्त सूत्र से चतुर्दिक वेष्टन करना चाहिए। शमशान भस्म से स्नान करके कृष्ण काला वर्ण वस्त्र पहनकर जितेंद्रिय साधक लाल रंग की पगड़ी तथा लाल यज्ञोपवीत धारण करके क्रूद होकर भ्रकटी बध मुख करके रक्त चंदन से लिप्त शूल धारण करे। तदंतर पुष्प तथा लोहमय अथवा उत्तम शूल धारण करके अथवा अभिचार युक्त होकर रुधिराक्त खदीर धारण करें। बुद्धिमान व्यक्ति अग्निग्रह के मध्य में शत्रु की प्रतिमा स्थापित करे तथा उसे शत्रु की मूत्र विष्ठा रक्त तथा अंतर आत पाशु से उसे लिप्त करें। ऐसे ही दीमक के बांबी की मिट्टी तथा भस्म से शत्रु को अंकित करें। खेर की लकड़ी की कील से शत्रु के उधर केश तथा नीचे किया हुआ मुख पाश द्वारा वेष्टिक करके शत्रु का प्राण हरण करें। शत्रु की प्रतिमा का पादवश तथा एवं मस्तक शूल से छिन्न करें। विचक्षण व्यक्ति लोहे के स्त्रू द्वारा होम करें। तदंतर 10 प्रकार की आभिचारिक विधि कही गई है। कृष्ण वर्ण का बकरा ऊंट हस्ती तथा शलभ का रक्त एवं विष मलिन तेल तथा चार वर्ण के मनुष्य का रक्त वाम हाथ में स्त्रुवा लेकर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो
मंत्री।